तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला के जो हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की। हमने लास्ट क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जाना था। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टोटल 3 क्लासेस होती है जिसमें से हमने 2 क्लासेस लिया है, 1 क्लासेस हमने छोड़ दिया है। जब हम फॉर्मूला सीखेंगे उसके बाद उस क्लासेस को लेंगे। तो हम जो बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने डेटा को, अपने फाइल को, अपने शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सके ताकि अननोन पर्सन आपके मर्जी के बगैर आपके डेटा में किसी भी तरह का एडिशन ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं और ये आज की वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। तो जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ प्रोटेक्शन, तो एक सीट, एक फाइल चाहिए होगा। चलिए एक फाइल हम ले लेते हैं। इसी फाइल को हम ले लेते हैं और एक छोटा सा डेटा क्रिएट करते हैं। और डेटा क्रिएट करने के लिए आप जानते हैं कि हम रैंड बिटवीन नाम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हो गया हमारा। अब बात आती है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, मतलब कि मेरे डेटा पे किसी भी तरह का एडिशन वगैरह ना कर सके। तो हम सीट के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट सीट, यहां से भी कर सकते हैं या आप यहां फॉर्मेट होम मेनू बार के फॉर्मेट में आके भी यहां प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं, या फिर आप रिव्यू में जाए और रिव्यू के अंदर भी आपके सामने होता है प्रोटेक्ट शीट। जैसे प्रोटेक्ट शीट आते ही इसमें पासवर्ड आता है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड यहां चूज करें। लेकिन पासवर्ड कंफर्म करने से पहले एक बार देख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको बोल रहा है कि यू कैन, इफ यू लूज योर एंड फॉरगेट योर पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। सो केयरफुल होइएगा क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट कभी आपका पासवर्ड रिकवर करके नहीं देगा। सो पासवर्ड केयरफुल होकर डालिएगा। हाँ, लेकिन तरीके कुछ है जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह हैं जो कि हमारे इसको रिकवर कर देते हैं, लेकिन वो कारगर नहीं है, 100% नहीं कर सकते, इसलिए केयरफुल होइए। हम यहाँ पे पासवर्ड डाला, देन ओके। तो पासवर्ड डालने के बाद आप देखिए हम कहीं का कोई चेंज नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे, कहीं भी कोई चेंज मैं नहीं, बट मैं डेटा को कॉपी कर सकता हूँ। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत दिन बाद सर। बहुत दिन बाद, बीच में थोड़ा फूड पॉइजन की वजह से मैं एडमिट था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो हम प्रोटेक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे सीट को, फाइल को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हमने बताया कि हमने राइट क्लिक किया और यहां से पासवर्ड डाल दिया। आप यहां पे, मैं बता देता हूं, राइट क्लिक किए, यहां पे प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड को कंफर्म किया, देन ओके। अब मैं इस सीट के ऊपर किसी भी तरह या कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकता, बट डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी और सीट पे ले आ सकता। अब यहां पे मुझे करना क्या है कि मैं डेटा को कॉपी भी ना कर सकूं, ऐसा कुछ करना है। देखिए कॉपी जो है वो एक्सेल का पार्ट नहीं है, वो विंडोज का पार्ट है। सो कॉपी तो डिसेबल नहीं हो सकती, बट कॉपी करने के लिए जरूरत क्या होती है सर? सिलेक्शन। बगैर सिलेक्शन के हम डेटा कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब पहले मैं यहां अनप्रोटेक्ट करता हूं और मैं बताता हूं कि जब मैं सीट पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट करता हूं तो आप यहां देखते हैं बहुत सारे चेकलिस्ट क्या है ऊपर हेडिंग पर, ये अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू।
पासवर्ड डालने के बाद क्या क्या फीचर को अनेबल करना है, अलाउ करना है, वो चीज है यहाँ पे। जैसे कि मैंने अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया तो आफ्टर द पासवर्ड, पासवर्ड हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे जो डिफॉल्ट दो सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, तो इनको हम यहां से हटा देते हैं। हटाने के बाद पासवर्ड डालिए, ओके कीजिए। अब मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर सकता, अब कहीं पे क्लिक कर ही नहीं सकता तो कॉपी करने का सवाल ही नहीं है। अगर कर भी दिया तो एक सिंगल सेल सिलेक्ट होगा, एक सिंगल सेल, समझ गए? तो ओके हाँ समझ कैसे मैंने किया है, समझ में आ गया आप लोगों को? और यहां पे और चीजें भी है, जैसे कि आप पासवर्ड डालने के बाद सिलेक्शन तो रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा बहुत सारे कभी कभी क्या होता है कि फिल्टर पर अप्लाई करना या शॉर्टिंग अप्लाई करना प्रोटेक्शन के बाद भी, या किसी बटन वगैरह पे क्लिक करना, तो आप यहां से ये चीज एनेबल कर सकते हैं। तो आप पासवर्ड डालने से पहले देख लीजिए कि कोई ऐसे फीचर्स को अनेबल तो नहीं करना है, जरूरत तो नहीं है पासवर्ड के बाद भी, तो आप उसको अनेबल कर दीजिए, राइट सर? इसमें कोई एक सेल लॉक कर सकते क्या ऐसा मैं कुछ बता रहा हूँ, बी धीरे एफ धीरे बता रहा हूँ सर, प्रोटेक्शन पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन से बाहर रखना। अभी जो प्रोटेक्शन की पूरी सीट को प्रोटेक्ट किया, बट मुझे क्या करना है कि जो मेरा येलो एरिया है इसको हम प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई इस पे हम किसी भी तरह की टाइपिंग कर सकें, बाकी सेल पे टाइपिंग ना हो। तो जब हम पासवर्ड डालते हैं तो एक चीज यहां पे देखिए, ये आता है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, और यहां पे लॉक सेल और अनलॉक सेल होता है। अब लॉक्ड अनलॉक्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हर सेल डिफॉल्ट लॉक्ड सेल होता है, उसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड होती है। लॉक का मतलब नहीं कि इसमें हम टाइपिंग नहीं कर सकते, लॉक का मतलब कि वो उसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड है, वो माया कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन को समर्थन दे रहा है। तो यहां फॉर्मेट सेल में आते हैं, राइट क्लिक पे फॉर्मेट सेल प्रोटेक्शन, यहां जिसके लॉक्ड पे क्लिक है वो सेल लॉक्ड है, मतलब कि प्रोटेक्शन को समर्थन दे रहा है। तो हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और इस लॉक को हटा दिया, मतलब कि समर्थन वापस ले लिया, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये अनलॉक्ड है, बाकी एरिया लॉक्ड है। तो हमने पासवर्ड अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट सेल ऑफ द प्रोटेक्ट एंड वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल है, तो सिर्फ लॉक सेल पे ही अप्लाई होगा, अनलॉक पे नहीं अप्लाई होगा। नतीजन मैं टाइपिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पे टाइपिंग कर सकता हूं। अब आपकी सवाल का जवाब देता हूं प्रशांत जी, कि एक एरिया को ही लॉक रखना है, मतलब कि सी टू पे जो मैंने एग्जांपल बताई इसका बिल्कुल उल्टा। तो यहां पे हम लॉक पे क्लिक कर दें, मैं चाहता हूं कि यहां पे ये लॉक्ड जो है रहे, बाकी अनलॉक्ड रहे। तो मैंने अभी भी बताया कि डिफॉल्ट हर सेल्स लॉक्ड होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन को समर्थन देता है। तो मुझे पूरे सेल, जितने भी सेल है, सबका लॉक्ड हटाना होगा, समर्थन हटाना होगा। तो यहाँ ए और वन के बीच में जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहां से हम लॉक को अनचेक कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमने पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया, तो इंक्लूडिंग इस रेड एरिया भी। तो मुझे इसको प्रोटेक्शन से प्रोटेक्शन के अंदर रखना है, बाकी तो सारे बाहर हो जाएंगे। तो इसपे वापस हम लॉक सेल पे आएंगे और इसके अंदर लॉक लगा देंगे, मतलब कि समर्थन वापस दे देंगे।
अब जब हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो लॉक्ड एरिया सिर्फ इस कलर्ड एरिया है, तो पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा कि हम बाकी जगहों पे टाइप कर सकते हैं बट इसके ऊपर हम टाइप नहीं कर सकते, समझ गया सर? विदाउट इसमें नहीं, नहीं। यहां पे बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है इसका। एक सीट तैयार करते हैं हम आपके सामने, यहां नेम हो गया, यहां पे क्वांटिटी एमआरपी सॉरी अमाउंट, यहां पे टैक्स जीएसटी कहता हूं, टैक्स का कहता हूं ना, जीएसटी कमीशन एंड टोटल एंड फिर डेट एंड टाइम। अभी क्या है कि अमाउंट जो है इज द क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, जीएसटी इसका 18% है, कमीशन इसका 2% है, इसका हमने टोटल में हमने सम लगा लिया। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, अब क्या है कि मैं इसमें डेटा एंट्री करता हूं, तो यहां पे जैसे कि हमने लिया पूजा, यहां पे 63, यहां पे 85, और जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि यहां से निकल के फिर यहां आना होता है, फिर यहां पे डेट और यहां पे टाइम देना होता है, ठीक है, यहां डेट एंड टाइम देना होता है। तो क्या करें इसके लिए, क्योंकि मेरा हर बार सेकेंड बर्बाद होता है ना सर, मैं चाहता हूं कि मैं यहां टाइप करूं और कर्सर सीधे यहां से यहां जंप हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला है ऑटोमेटिक है, तो मैं चाहता हूं इसलिए कर्सर जाए ही ना, टाइपिंग में आसानी हो जाएगी। तो वही तरीका जो हमने यहां पे अपनाया है, सबसे पहले हम पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, प्लॉट को हटा देंगे, फिर वापस इस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और लॉक वापस लगा देंगे और फिर पासवर्ड देंगे प्रोटेक्शन। बट प्रोटेक्ट सीट में मैं क्या करूंगा, यहां लॉक सेलेक्ट लॉक से लॉक सेल को अनचेक कर, मैं सिलेक्शन जो होगा अनलॉक सेल एंड ओके कर। अब देखिए जैसे मैं यहां पे डालता हूं होम, डालने के बाद सीधे कर्सर यहां, ठीक है, डेट एंड टाइम। सुनाया सर? हाँ सुन।
अब इसी का अगर मैं अगला एक तरीका और बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेम है, यहाँ पे रोल है और यहाँ पे मार्क्स है। मान लीजिए होता है सर या सिटी है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कर्सर और यहाँ पे कर्सर है, इसको सिलेक्ट किया। जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो कर्सर नीचे आता है। मैं चाहता हूँ कि एंटर प्रेस पर भी कर्सर जंप हो यहाँ पे, यहाँ एंटर प्रेस करें तो जंप हो यहाँ पे, तो यहाँ सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ हम इसकी लॉक को हटा देते हैं। और जब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा, प्रोटेक्ट शीट करूंगा, इसकी लॉक को तो मेरा जैसे नाम लिखा और एंटर प्रेस किया तो कर्सर जो है नीचे नहीं यहां पे डायरेक्ट जम किया, ठीक है, इसका यूज करते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं एक ही सीट पे दो तरह के पासवर्ड कैसे लगाए जा सकते। मान लीजिए मेरे पास एक सीट है, सीट पे दो एरिया है, दो एरिया पे दो पर्सन काम करता है। यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर ए है और यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर बी है। मैं चाहता हूँ मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के ऊपर कोई छेड़छाड़ ना कर सके और मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर किसी तरह का छेड़छाड़ ना कर सके, कैसे होगा? तो इसके लिए हम यहां जाएंगे रिव्यू में और यहां आता है अलाउ एडिट रेंज। अब मैं एक एक रेंज वन बाय वन सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि इसको यहाँ पे आया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें हमने एक पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके, फिर वापस न्यू किया, इसको क्लिक किया और वापस हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पासवर्ड को अगेन कंफर्म किया, अप्लाई, ठीक है। ये कहां से निकला था रेंज, रेंज वाला कहां से निकला था? अलाउ एडिट रेंज रिव्यू टैब के अंदर में होता है, लेकिन अभी भी वर्क होगा क्योंकि अभी भी प्रोटेक्शन नहीं हुआ है, तो फाइनल प्रोटेक्शन होने के बाद ही एप्लीकेबल होगा। आपने बस अलग अलग पासवर्ड बना दिया, अब हमने प्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने से पहले मुझसे पासवर्ड पूछेगा, अब मैंने पासवर्ड डाल दिया तो ये मुझे इस पे एंट्री करने देगा, कब तक? जब तक कि फाइल रीओपन नहीं होती है, रीओपन होने के बाद अगेन पासवर्ड मांगेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ चेंज करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड मांगेगा, इसका पासवर्ड, ठीक है। हम बात करते हैं कि हम अभी हमने इतना ज्यादा प्रोटेक्शन तो लगाया पर हम किसी भी सीट को इजीली डिलीट, देखिए डिलीट हो गया, तो मैं कोई सीट डिलीट ना हो सके इसके लिए रिव्यू के अंदर ही आपका आता है वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसमें पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहां देखिए ठीक है। लेकिन फाइल तो ओपन होगी, तो फाइल में पासवर्ड कैसे लगाया? तो फाइल बिल्कुल नई है, जैसा आपने उसको सेव करने जा रहे हैं तो ब्राउज करते हैं, जहां फाइल के नेम वगैरह देते हैं उसी में नीचे टूल्स में जनरल ऑप्शन आता है, उस पर पासवर्ड डाल सकते, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। लेकिन फाइल ऑलरेडी सेव है, आप उसको सेव एज नहीं करना चाहते हैं डिफरेंट नेम से, तो आपको इन्फो के अंदर में, फाइल मेनू बार के ही इन्फो के अंदर में यही पे आपको दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक और यही पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आप इसको बिना फाइल को सेव एज में डिफरेंट नाम से सेव किए हुए फाइल में पासवर्ड लगा सकते। ये सारी चीजें मैंने बताई आपको, एक बार आप अपने एंड से इसकी प्रैक्टिस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको इसके बारे में और डिटेल में समझ में आएगी। अभी तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा लग रही होगी, ओके,
जब तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बेसिकली इसका यूज क्या है और किस तरह से आप अपने ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रशांत जी, आपने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है तो आधे घंटे के अंदर में हम आपको इसकी वीडियो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ओके बाय। कल कल मुझे